हेलो फ्रेंड्स। तो आज क्लास 12th का डिफ्रेंशिएशन हम देखेंगे। तो आगे इसे सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसे सिंपल कर लें। वन अपॉन का कॉस एक्स सेक को लिखा जा सकता है, माइनस का वन है। सिमिलरली सेक को क्या लिख दिया, वन अपॉन का कॉस एक्स प्लस का वन। एलसीएम ले लीजिए इसका, तो कितना हो जाएगा, वन माइनस का कॉस एक्स अपॉन का कितना हो जाएगा, कॉस एक्स। इसी तरीके से इसका एलसीएम लेंगे तो वन प्लस का कॉस एक्स हो जाएगा अपॉन का कॉस एक्स। तो कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल आउट, तो वाई इक्वल टू आपका बचा कितना, वन माइनस का कॉस एक्स अपॉन का वन प्लस का कॉस एक्स। डिफ्रेंशिएट करिए, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये कितना हो जाएगा, डी वाई अपोन का डी एक्स। यू अपोन वी से करेंगे तो ये आगे ऊपर आएगा, तो वन प्लस का कॉस एक्स डी अपोन का डी एक्स, वन माइनस कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे। अब इसका डिफ्रेंसिएशन होगा, ये कॉन्स्टेंट हो जाएगा, तो वन माइनस का कॉस एक्स डी अपोन का डी एक्स और वन प्लस का कॉस एक्स अपोन का कितना हो जाएगा आपका, वन प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। सॉल्व करिए इसे। देखिए ये तो कॉन्स्टेंट है, तो डी वाई अपोन का डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, वन प्लस का कॉस एक्स। वन का डिफ्रेंसिएशन जीरो हो जाएगा, कॉन्स्टेंट वैल्यू है। माइनस कॉस एक्स का कितना हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। कॉस का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन होता है, ऑलरेडी यहाँ माइनस साइन है तो माइनस माइनस प्लस बना लेगा। माइनस ये आपका उतार लेंगे, वन माइनस का कॉस एक्स। इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का साइन एक्स। ठीक है, अपोन का कितना, वन प्लस का कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो डी वाई अपोन का डी एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसका अंदर मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस का साइन एक्स कॉस एक्स। सिमिलरली इसका अंदर मल्टीप्लाई करिए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना आएगा, साइन एक्स। और यह कितना हो जाएगा, इसका माइनस का अंदर मल्टीप्लाई किया तो प्लस हो गया, और माइनस का इनटू करेंगे तो फिर से माइनस हो जाएगा, तो साइन एक्स और कॉस एक्स हो गया। अपॉन का कितना हो जाएगा, वन प्लस का कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना बचेगा, डी वाई अपोन का डी एक्स, ये कितना हो जाएगा, टू साइन एक्स अपोन का वन प्लस का कॉस एक्स का होल स्क्वायर। इसका डिफ्रेंसिएशन होगा। डिफ्रेंसिएशन के मैं सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कराऊंगा जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, नोट करिए। इतना आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका है साइन 1 है, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस का 5 है। वाई इक्वल टू आपको गिवेन है, इसे डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, देखते हैं, करते हैं। लिखिए, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, तो कितना हो जाएगा डी वाई अपॉन का डी एक्स, इसका करूंगा डी अपॉन डी एक्स और कितना लिख दूं साइन एक्स स्क्वायर प्लस का फाइव, तो इसका कितना हो जाएगा कॉस एक्स, मतलब कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का फाइव हो जाएगा। अब अंदर का करूंगा मैं तो इसका कितना हो जाएगा टू एक्स हो जाएगा और कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन आपका जीरो हो जाएगा, क्लियर है। तो ये आपका आ जाएगा टू एक्स कॉस एक्स स्क्वायर प्लस का फाइव, इसका डिफरेंशिएशन होगा आपका, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, आपको दे रखा है